नमस्कार दोस्तों, बी ब्राउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदिति राव हैदरी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को सर्व प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अदिति राव हैदरी वो एक भारतीय एक्ट्रेस है। उन्होंने अभिनेत्री होने के साथ साथ भरतनाट्यम डांस में भी पूर्ण रूप से पारंगत है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल मलयालम फिल्मों में भी काम किया हुआ है। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1978 को हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था और उन्होंने राजा अकबर हैदरी की परपोती है और मोहम्मद साले अकबर हैदरी की भतीजी है, जो कि असम के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ऋषि बेली स्कूल बेंगलोर से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से संपन्न की। उन्होंने 6 साल की उम्र में भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। अदिति राव हैदरी की शादी सत्यदीप मिश्रा से हुई है, लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शादी की बात मानी और कही कि वो उनके पति और अब अलग हो चुके हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म श्रृंगार में से की थी और ये फिल्म भारतीय डांस के ऊपर आधारित थी और इसके फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों में ऑफर आने लगे और उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म दिल्ली 6 से की थी, लेकिन उन्हें पहचान फिल्म ए साली जिंदगी से मिली। उन्हें इस फिल्म के लिए स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजा गया। अदिति राव हैदरी नेटफ्लिक्स फिल्म सरदार का ग्रैंडसन में भी नजर आ चुकी है। दोस्तों, ये सफर था अदिति राव हैदरी के जीवन के बारे में। आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।